हेलो। हेलो मेघा जी, हेलो मधु जी, गुड आफ्टरनून। हेलो पायल, हाउ आर यू? कैसे हो सब? वेलकम टू आर्ट एंड क्राफ्ट विला। सब अच्छे हैं? आई एम ऑल्सो गुड, आई एम टू गुड। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एक बार आप जल्दी से शेयर कर दीजिए, हमारा मधुबनी का सेशन चल रहा है। आई होप यू ऑल एंजॉय। बहुत मजे आ रहे हैं करने में मधुबनी के सेशन में, और इतना अच्छा लग रहा है कि मैंने खुद ने एक्सटेंड कर दिया टाइम। ऐसा जल्दबाजी में खत्म नहीं करना था मुझे, तो मुझे लगा क्यों ना हम आराम से काम करें और अच्छा अच्छा काम करें। एक मिनट में पढ़ती हूँ आप सबके कमेंट्स। है ना, बहुत मजे आ रहे हैं। गुड आफ्टरनून जोत्सना जी, हेलो टिंकू जी, हेलो मीनू, हाउ आर यू? थैंक यू। मैं डेली ऐसी लगती हूँ। चलो आ जाइए सब लोग, आ जाइए। ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट एंड क्राफ्ट विला। आई एम किरण राजे एंड वी आर डूइंग हियर मधुबनी पेंटिंग बेसिक कोर्स। तो हमारा बेसिक कोर्स चल रहा है, और आज मैं अनाउंस करने वाली हूँ हमारी जो एडवांस वाली क्लासेस आने वाली है, जो हमारी पेड क्लासेस आने वाली है, उसमें हम क्या करवाने वाले हैं, उन सबके बारे में भी मैं अनाउंस करने वाली हूँ। बट पहले हम मधुबनी का काम करेंगे। ओके, वी हैव डन बॉर्डर्स, हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉर्डर्स किए हैं, बहुत मजा आया। अच्छे अच्छे बॉर्डर्स किए हैं हमने, बहुत ही अमेजिंग। और कचनी स्टाइल एंड भरनी स्टाइल वी हैव डन ऑलरेडी। ओके, एक बार मैं फटाफट से रिवाइज कर देती हूँ, रिमाइंड कर देती हूँ कि क्या क्या हमने किया। वी हैव डन दीज बॉर्डर्स। नाउ वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू फिल कलर्स। आपको इनमें कलर्स फिल करने, क्योंकि हमारे पास लाइव सेशन में इतना टाइम नहीं होता है कि हम इन सब में कलर्स फिल कर सके। कलर्स हम अपनी पेंटिंग के अकॉर्डिंग फिल करते हैं, जो हमारी पेंटिंग होती है उसके अकॉर्डिंग। सो यू कैन यूज कलर्स, आप कलर्स कर सकते हो। ब्राइट कलर्स करने हैं, लाइक रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, लाइक दिस। थैंक यू। ये बॉर्डर्स भी सबको बहुत पसंद आए हैं, एलिफेंट फिश, पिकॉक फिश, एंड यहां पर मैंने वापस से ट्रायल करके दिखाया था, तो वो सारा टर्टल भी दिखाया था, तो ये बॉर्डर्स भी सबको पसंद आए। वी हैव डन दिस। आपको कलरिंग करना है। ओके, यू हैव टू कंप्लीट दिस। उसके बाद हमने किया है कचनी स्टाइल पेंटिंग। कचनी स्टाइल पेंटिंग के हमने इधर स्टाइल्स भी आपको बता दिए हैं, सो यू कैन डू। देन यस्टरडे वी हैव डन दिस भरनी स्टाइल पेंटिंग। हमने भरनी किया, मैंने बॉर्डर कलर नहीं किया, बट आप लोगों ने कर लिया है। 4 o'clock तो मेरी पर्शियन की क्लास चलती है, तो भरनी स्टाइल हमने कर दिया। अब आज हम आगे बढ़ने वाले हैं। एक बार जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो जो शेयर करते हैं उनके नेम के आगे शेयरर टैग लगता जाता है, तो मैं देख सकती हूँ कि कितने लोगों ने शेयर किया है। थैंक यू अर्शी। पर्शियन आर्ट की क्लास चल रही है हमारी 4 o'clock पे, और 5 o'clock हमारी बुद्धा म्यूरल की क्लास चल रही है। ठीक है, सो लेट मी स्विच माई कैमरा टुवर्ड्स माई वर्क प्लेस विदाउट वेस्टिंग टाइम। हम स्टार्ट करते हैं, और आप शेयर करते जाइए ताकि सब लोग कर ले। और जल्दी हमारी लिप्पन आर्ट की वर्कशॉप भी आने वाली है, बट लिप्पन आर्ट से पहले ही मैं आज अनाउंस करने वाली हूँ मधुबनी के लिए। और हम कोई पेंटिंग नहीं बनाकर वॉल पे हैंग करने के लिए पेंटिंग नहीं बनाने वाले हैं मधुबनी के लिए। उसके लिए मेरे पास एक डिफरेंट और अमेजिंग आइडिया है, जो आज की क्लास के बाद में मैं आपसे शेयर करूंगी, तो एंड तक बने रहिए।
हाँ भरनी स्टाइल का पेंटिंग मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर नहीं किया, चलो आज पक्का करती हूँ, आज सारा शेयर कर दूंगी। ओके तो अभी स्विच करती हूँ कैमरा, जस्ट लेट मी एडजस्ट दिस, एक बार मैं एडजस्ट कर दूं। ओके फाइन, मोर देन 100 मेंबर्स, 120 मेंबर्स, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। और अर्शी तो बहुत हेल्प करती है मुझे। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आप रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो, ठीक है। पूजा जी आपको मुझे व्हाट्सएप करना पड़ेगा, एंड लिसन, व्हाट्सएप ग्रुप सिर्फ मधुबनी पेंटिंग के लिए नहीं है, दैट इज कॉमन ग्रुप। मैं बार बार कहती हूँ, हम पर्टिकुलर एक, आप एक बार सोचिए, मैं एक फ्री क्लास के लिए, मधुबनी की फ्री क्लास के लिए मैं इतने सारे व्हाट्सएप ग्रुप क्यों बनाऊंगी। यस, कितना वो रहता है, मेहनत करनी होती है, तो वो हमारे कॉमन ग्रुप है जिसमें मैं सारी डिटेल्स देती हूँ। अभी मधुबनी का मैंने अगर डिटेल दिया है उस व्हाट्सएप ग्रुप में, तो मैं अभी आने वाला हमारा जो वॉल हैंगिंग हम बनाने वाले हैं क्ले से, वो उसका भी डिटेल मैं उसी में दूंगी। हमारी पेड क्लास आने वाली है, उनकी डिटेल्स भी मैं उसी में दूंगी। बट वंस यू लीव दैट ग्रुप, यू वॉन्ट बी एबल टू ज्वाइन अगेन, आप वापस से उस ग्रुप को उस लिंक से ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो वो कॉमन ग्रुप है, दैट इज नॉट ओनली फॉर मधुबनी पेंटिंग। तो जिसको भी ग्रुप में एड होना है मुझे एक बार व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको एड कर देती हूँ। बट वो बार बार ग्रुप छोड़ के जाना, फिर एड होना, फिर छोड़ के जाना, फिर एड होना, उसमें आप सोचिए, हम 10 ग्रुप्स हैं हमारे पास आर्ट एंड क्राफ्ट मिला के, और एक ग्रुप में 250 के आसपास मेंबर्स होते हैं, तो मेरे लिए कितना प्रॉब्लमेटिक होता है कि इतने मेंबर्स को डेली छोड़ के जाए और डेली फिर वापस आने के लिए वो लोग बोले, तो वो मेरे लिए बहुत थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो बने रहिए ग्रुप में, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपको पेड क्लासेस नहीं करनी है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बने रहिए, फ्री क्लासेस की भी वहां पर मिलते रहेंगे आपको। ओके, हेलो मंजूश्री जी, भरनी स्टाइल भी हैव कचनी एंड भरनी स्टाइल भी हैव डन। कचनी भरनी स्टाइल भी हैव डन, तांत्रिक, कोहबर एंड गोदना, थ्री स्टाइल्स आर लेफ्ट। तो अभी हम पहले कर देते हैं गोदना स्टाइल, फिर हम करेंगे तांत्रिक एंड कोहबर, ये हम करने वाले हैं गोदना स्टाइल, ठीक है। गोदना, अभी हमने जो कचनी स्टाइल किया था उसमें हमारा था कि कैसे हम पहचानेंगे कि वो कचनी स्टाइल है, कैसे हम पहचानेंगे, उसमें जो लाइन पैटर्न्स होते हैं, डॉटेड लाइन पैटर्न्स होते हैं, फर्स्ट थिंग दैट, सेकंड थिंग बहुत ही लिमिटेड कलर्स होते हैं, ओनली ब्लैक और समवेयर रेड, तो बहुत ही लिमिटेड कलर्स होते हैं, तो वो हमारी कचनी स्टाइल होती है, उससे आपको पहचानना है कि कौन सी कचनी स्टाइल है। कचनी स्टाइल में बहुत सारी पेंटिंग्स बनती है, आप बना सकते हो। ओके, देन भरनी स्टाइल, भरनी स्टाइल को हम पहचानेंगे जिसमें लॉट्स ऑफ कलर्स, फुल ऑफ कलर्स, ठीक है, बट बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं, बट थोड़ा बहुत कलरफुल होता है, तो पैरट, एलिफेंट, पिकॉक, आप डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, फिश होती है, इस तरह होते हैं, बट फुल ऑफ कलर्स होते हैं। फुल ऑफ कलर्स मीन्स पिंक, पर्पल, इस तरह के कलर नहीं होंगे, बट रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, लाइक दिस कलर, एंड ब्लैक इज कॉमन कलर। 9252507001, ये लो नंबर कॉलिंग आने स्टार्ट हो गए, बाबा कॉल नहीं करना है, कॉल नहीं करना है, ओके 7001, ठीक है। अभी हम कर रहे हैं गोदना स्टाइल, दो स्टाइल आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है कि कैसी होती है, ठीक है। गोदना स्टाइल में क्या होता है, गोदना मतलब मैं ऐसे कर रही हूं, आप देखो, दिस इज गोदना, ये मैं गोदना, गोद कर रही हूं, गोदना कर रहे हैं ना,
वोदना क्या होता था, पहले के टाइम पर औरतें अपने बॉडी पर नेम लिखवा लेती थी, ठीक है, अलग अलग तरह से अपने नाम लिखवा लेती थी, मतलब गोदवा देती थी, गोदना कहते थे उसको, जो हमारे लेडीज होती थी, जेंट्स होते थे। अभी क्या होता था कि लेडीज जेंट्स के नाम नहीं बोलती, अपने हस्बैंड के नेम नहीं बोलती है, तो वो अपने हस्बैंड का नाम लिखवा लिया या फिर कुछ पेंटिंग बनवा लेती थी इस तरह से। तो उस तरह से वो भी गोदना स्टाइल होता है, जो बॉडी पर बनवा लेते हैं ना, आजकल उसको टैटू कहने लगे हैं, बट वो गोदना स्टाइल होता है मधुबनी का। अभी गोदना स्टाइल में जो पेंटिंग्स बनती थी, चाहे वो वॉल पे बनने लगी है, बाद में हम कैनवास पे बनाने लगे, कुछ भी, उसमें एक बेसिक चीज, कॉमन चीज होती है कि गोदना स्टाइल, यस टैटू होता है आजकल ना, गोदना स्टाइल ज्यादातर सर्कल में ही होती है, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से समझ आने लगेगा कि गोदना स्टाइल की अगर आप पेंटिंग बना रहे हो तो आपको ज्यादातर पेंटिंग्स आपको सर्कल में ही बनानी है। अभी मैं स्टार्ट करती हूँ एक सर्कल बनाना। यहां पर मैं आपको कोई मेजरमेंट नहीं बताने वाली हूँ, कोई भी एक सेंटर पॉइंट ले लीजिए और आपको सर्कल में बनाना है। अब मंडला आप जानते हैं सब, मंडला हमने बहुत मंडला किए हैं, बहुत सारे मंडला किए हैं, तो आप लोगों को सबको आइडिया है मंडला का। अभी कोई पर्टिकुलर इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, गोदना स्टाइल कर रहे हैं हम, इसका कोई मेजरमेंट नहीं है। गोदना स्टाइल में ज्यादातर पेंटिंग सर्कल में ही होती थी, अभी इसमें क्या बनता था वो मैं आपको बताऊंगी। तो इसका सर्कल का कोई मेजरमेंट नहीं है, आप देख सकते हो, मैं भी कोई मेजर करके नहीं ले रही हूँ सर्कल, जस्ट आई एम ड्रॉइंग दिस, मैं कि मैं बनाती जा रही हूँ सर्कल और कुछ नहीं। ऊपर मैंने लाइन ले लिया है क्योंकि यहाँ पर सर्कल खत्म हो गया है, तो गोदना स्टाइल के हम ये जो वाटरप्रूफ पेन नहीं होते हैं ना, वो इस तरह से स्प्रेड होते हैं, दैट्स व्हाई आई टेल यू टू यूज वाटरप्रूफ पेन, ठीक है, वाटरप्रूफ पेन यूज करने के लिए हम इसलिए बोलते हैं। ये हमारा इसका कंस्ट्रक्शन तैयार हो गया गोदना स्टाइल बनाने के लिए। मेरे को एक बार साइलेंट करना पड़ेगा मोबाइल, ऐसे नहीं काम चलेगा, जस्ट अ मिनट, अभी बेटर है। जूम करो, अभी मैं अगर जूम कर दूंगी तो आपको ये दिखेगा नहीं, जो बेसिक बना रही हूं। दीपाली जी प्लीज टेक रेस्ट, क्योंकि कल भी मुझे हेडेक हो रहा था, तो मुझे पता है कि क्या कितना प्रॉब्लम होता है, प्लीज टेक रेस्ट, रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल, तो आप रिकॉर्डिंग देखकर काम कर सकते हो ना। हेडेक के टाइम पर आपको गैजेट यूज करना सही नहीं रहता, और उस टाइम तो ऐसा लगता है कोई बोलता भी है तो बहुत ज्यादा हेडेक होने लगता है, क्योंकि मुझे भी कल थोड़ा सा हेडेक फील हो रहा था, सो आई कैन अंडरस्टैंड। मेरा तो रीजन ये है कि मैं कंटिन्यू क्लासेस रहती है, मेरी बैक टू बैक क्लासेस होती है, इसलिए होने लग जाता है कभी कभी। तो ये हम सर्कल को पहले आउटलाइन कर रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी दैट मोर देन 100 मेंबर्स आर वॉचिंग, 136, मतलब ज्यादा ही होने वाले हैं मेंबर्स, तो इतने मेंबर्स कर रहे हैं, देख रहे हैं और उनको बेनिफिट मिल रहा है, आई एम रियली वेरी हैप्पी, मुझे सच में बहुत खुशी होती है। तो इसीलिए हम सरप्राइज वर्कशॉप्स भी लेकर आते रहते हैं आप लोगों के लिए। इस तरह की जो फ्री वर्कशॉप्स आती है प्लीज आप शेयर कर दीजिए, ताकि और लोग सीख सकें, जितने ज्यादा लोग हो सके उतने ज्यादा लोग जुड़ सके हमसे।
गुड आफ्टरनून लता जी। अभी मैं क्या काम करते करते कमेंट्स की तरफ थोड़ा कम देख पाती हूँ, बट अगर किसी की कोई क्वेरी है, विच कंपनी वाटरप्रूफ पेन डू यूज, मैं माइक्रोन के यूज कर लेती हूँ, ब्रुस्टो के यूज कर लेती हूँ। आप वाटरप्रूफ पेन तो कोई से भी कंपनी का यूज कर सकते हो, बट ये वाटरप्रूफ नहीं है क्योंकि यहाँ पर काफी लोगों के पास वाटरप्रूफ पेन नहीं है, तो दे वॉन्ट मी टू यूज नॉर्मल ब्लैक जेल पेन। उनको लगता है कि नॉर्मल ब्लैक जेल पेन से काम हो ही नहीं सकता, तो वो भी मैं करके दिखा देती हूँ कि वो होता है, ऐसा नहीं है नहीं हो सकता, बट थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है, कहीं खराब हो जाती है हमारी पेंटिंग। इतनी मेहनत करके हम पेंटिंग बनाते हैं और फिर वो खराब हो जाए, बहुत दिल दुखता है। तो अभी मेरे पास कुछ क्वेरीज आई थी मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड ही, जो पेड क्लासेस है उसके लिए, बट सब लोगों का क्या होता है मैम, इतनी सारी पेंटिंग्स बना के हम कहाँ लगाएं घर में। यस, तो इस बार हम आप लोगों के लिए कुछ अलग लेकर आए हैं और कुछ अलग करने वाले हैं। ऑफ कोर्स दैट विल बी इन पेड क्लास, बट आप लोगों को रियली बहुत एंजॉय करने को मिलेगा, बहुत मजा आएगा काम करने में, बहुत इंटरेस्ट आएगा। थोड़ी लंबी चलेगी वो क्लासेस मधुबनी की। ये हमारा गोदना स्टाइल हो रहा है, गोदना स्टाइल, ज्यादातर गोदना स्टाइल सर्कल में होता है, ठीक है। फिर हम इसमें डिजाइन बनाने वाले हैं, सॉरी थोड़ा सा स्पीड में कर रही हूं मैं, सो यू कैन सी कि इतना फिनिशिंग लाइन नहीं आ पाता है, बट आपको पता है फिर टाइम इतना जल्दी निकल जाता है, 1 आवर का तो पता ही नहीं चलता, इतना फटाफट निकल जाता है। 1 घंटे में क्या होता है, कुछ नहीं होता, हम इतनी सारी पेंटिंग्स बना लेते हैं। कोई बात नहीं नेहा जी, वी हैव जस्ट स्टार्टेड गोदना स्टाइल, हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी क्या होता है गोदना स्टाइल में, जैसे मैंने यहां बनाया है, ओके मैं जूम कर देती हूं ना, जूम नहीं करूंगी तो आपको क्लियर विजिबल नहीं होगा। हम डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स ले सकते हैं, तो मैंने यहां लिया है फिश, यू कैन सी फिश बन गया, इधर फिश है, इधर फिश है, दोनों तरफ फिश हो गई। अब मैं इधर भी फिश बना लेती हूं। अभी हमें सर्कल में बनाना है, ठीक है, क्योंकि गोदना सर्कल में होता है। हमने फिश बनाई है, सॉरी डिजाइन डालूंगी तब आप लोगों को सही से समझ आएगा कि हाँ ये फिश है। ये देखो 4 फिश, 4 डायरेक्शन में मैंने 4 फिश बना दी है। ठीक है, आपको इसमें लेना है एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स, आपको ये लेना है इसके अंदर, ठीक है। इसी के अंदर आप थोड़ा सा डिजाइन दे सकते हो। ये हमने इसमें डिजाइन दे दिया फिश के अंदर, हमने स्कल डिजाइन, आपको डायरेक्ट ब्लैक जेल पेन से नहीं करना, पेंसिल से कर लो, फिर कलरिंग करके ब्लैक जेल पेन से आउटलाइन कर सकते हो। मैं ब्लैक जेल पेन से कर रही हूं क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है यहां पर अभी, इसलिए मैं डायरेक्ट ब्लैक जेल पेन से कर लेती हूँ। ये हमने यहां पर फिश बना दिया है। अभी देखो इसी तरह हमें इनको अलग अलग डिजाइन, अलग अलग बर्ड्स, एलिफेंट आप दे सकते हो, पैरट दे सकते हो, पिकॉक दे सकते हो, ये डिजाइन दे सकते हो। अभी मैंने यहां पर बनाना है
डिजाइन दे दो बी। ठीक है, बनाया था हमने बॉर्डर में बनाया था हमने, इसी तरह एक इधर बनाया, अब मैं इधर बनाऊंगी एक ऑपोजिट करके। तो हमने पिकॉक डिजाइन दे दिया है। ठीक है, इस तरह से आपको अलग अलग डिजाइन देने होते हैं इसमें। हाँ, जो हमने सीखा था, बिल्कुल जो हमने सीखा था हमने वही डिजाइन दिया है पिकॉक वाला। आप डिजाइन चेंज कर सकती हो, मैं आपको जस्ट रेफरेंस दे रही हूँ, एक एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए व्हाट इज गोधना स्टाइल। ठीक है, मैं आपको गोधना स्टाइल एक बार बता दूं। तो जो आपने पिकॉक बनाया था, हमने बनाया था, यू कैन मेक अगेन दैट सेम। अब आपको ये सारा मुझे नहीं लगता कि मुझे बना के दिखाने की जरूरत है, आईज वगैरह सब आपके पास बना हुआ रखा है ऑलरेडी। ठीक है, सो यू कैन कंप्लीट दिस, आप इसको इस तरह से कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट पैटर्न अब आप चेंज कर सकते हो इसी तरह, ये कंप्लीट करना है आपको, डबल लाइन वगैरह सब कुछ बना के आपको कंप्लीट करना है। फिर हमने बनाया था एलिफेंट, यू कैन यूज दैट एलिफेंट डिजाइन, आप जो एलिफेंट बनाया था वो एलिफेंट का कर सकते हो इस तरह से। गोधना स्टाइल में आपको जाना सर्कल के अंदर ही है, जाना आपको सर्कल में ही है, बट आपको इस तरह से डिजाइन बनाते हुए जाना है। एलिफेंट भी मैंने आपको बनवाया था, सो यू नो हाउ टू मेक। थोड़ा बहुत चेंजेस आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चेंजेस नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत चेंजेस आप कर सकते हो इसके अंदर, क्योंकि आज मैंने थोड़ा सा स्पीड पकड़ लिया है। आपसे सारे नहीं बन रहे, आप एक या दो एलिफेंट बनाकर अभी छोड़ दो, क्लास के बाद बना लेना। ठीक है, यस यू कैन डू ऑन हैंडमेड पेपर। आपको स्टार्टिंग में मैंने फर्स्ट डे ही बता दिया था कि आप
कुछ भी यूज कर सकते हो, बॉटल यूज कर सकते हो, टेराकोटा यूज कर सकते हो। मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, यहाँ पर मैं आपको हाथ पकड़ कर, मेरा हमेशा से एक ही रूल होता है, मैं आपको रास्ता दिखा सकती हूँ बट हाथ पकड़ के आगे नहीं ले जाऊंगी, आगे आपको खुद को जाना पड़ेगा। ओके, सो आई कैन टीच यू टेक्निक बट करना आपको है, एक एक लाइन नहीं बताऊंगी, नाउ मेक कर्व देन मेक अपर हार्म देन मेक लोअर हार्म Now make this much big line. I will not tell these all the thing. Okay? इस तरह मैं आपको करवा सकती हूँ, टेक्निक बता सकती हूँ, बट करना आपको है, क्रिएटिविटी आपको करनी। अगर आपको सच में कुछ काम करना है, सच में लर्न करना है, तो आपको अपनी खुद की पेंटिंग्स तैयार करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कॉपी कर करके काम नहीं चला सकते, है ना। अगर आपको सीखना है, अगर आपको रियली सीखना है, तो आप कॉपी करके काम नहीं चला सकते। आपको आज मैं सिखा रही हूं, हाँ, वाटरप्रूफ पेन ही लेना होगा आपको, वाटरप्रूफ पेन ही लेना होगा आपको। ओके, वी हैव डन लॉट्स ऑफ डिजाइन, हमने बहुत सारे डिजाइन बनाए थे, फिश भी बनाई थी, पिकॉक। अच्छा, पिकॉक भी आप अलग अलग तरह के बना सकते हो, आप इसमें पैरट्स बना सकते हो, ग्रीन एंड येलो कलर के पैरट्स, आपने यूं किया और सिर्फ आपको ये बनाना है, नथिंग एल्स। और एक आपको ये करके यूं करना है, डबल लाइन बना देनी है, मतलब एक तरह से सर्कल, देन दिस, दिस, फिर हम इसको बीक भी बना देंगे, ये बीक बन गई। थोड़ा स्पीड में चल रहा है ना आज मेरा हाथ, क्योंकि फिर डेली बहुत ज्यादा टाइम लग जाता, कल हम सिर्फ एक स्टाइल कर पाए थे, तो मुझे काफी लगा कि हम ज्यादा भी कर सकते हैं। नाउ यू कैन सी, तो डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन आप कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स आप दे सकते हो, और काफी सारा हमने आपको बॉर्डर्स में भी बता दिया था। हाँ, टेल तो बनाई नहीं एलिफेंट को, चलो टेल बना देते, एक में बना दी थी मैंने, है ना, एक पर बना दी थी, एक बाकी रह गई। थैंक यू, डन। फिश बना सकते हो, ट्री बना सकते हो, प्लांट्स बना सकते हो, आप अलग अलग प्लांट्स दे सकते हो। अगर आपको यहां पर स्पेस बच गया है, तो आप इस तरह से लीफ वाला प्लांट, आपको बताया था लेफ्ट ओवर स्पेस में आपको किस तरह से करना है। Like this, ये स्पेस बच जाता है, तब आपको इस तरह से कर देना है। स्पेस कैसे फिल करना है, टर्टल्स बना सकते हो आप इसमें, हमने जो बनाया था अभी, आप इसको कंप्लीट करोगे तब आपको समझ आएगा ज्यादा, जब आप काम करते हैं तब ज्यादा अच्छे से समझ आता है ना, किसी और के करे हुए काम में इतना अच्छा समझ नहीं आता जितना आप खुद का काम करते हो तब समझ आता है।
चलो अभी हम नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। इतना हो गया, अब थोड़ा सा कलरिंग बता देती हूँ मैं इसी के अंदर। मंडला में हम पैटर्न्स बनाते हैं, इसमें हम एनिमल्स, बर्ड, फिश, प्लांट्स ये सब बनाते हैं गोदना स्टाइल में। ठीक है, गोदना भी सर्कल में होता है। केवल एनिमल्स क्यों? फिश तो एनिमल नहीं है, टर्टल एनिमल नहीं है, प्लांट्स एनिमल नहीं है, बट ज्यादातर यही पैटर्न्स होते हैं इनमें। ठीक है, नॉर्मल पैटर्न भी डाल सकते हो आप इसमें, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल पैटर्न नहीं डाल सकते। कलर्स आपको कौन से चूज करने हैं मैंने आपको बता दिया था, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज। ठीक है, यही कलर आपको यूज करने हैं, एंड समवेयर यू कैन यूज ब्राउन कलर। अभी गोदना स्टाइल आप लोगों को समझ में आया? इसके बीच में अगर आप कोई डिजाइन भी दे सकते हो, ऐसा ट्रायंगल वाला डिजाइन भी दे सकते हो, ये दे दिया। अगर आपको लाइन पैटर्न देना है आप लाइन पैटर्न भी दे सकते हो बीच में स्पेस को फिल करने के लिए, ये भी पैटर्न दे सकते हो। अगर आपने ट्रायंगल बनाया है यहां पर ट्रायंगल बनाकर इस तरह से और फिर लाइन देना है आप वो भी दे सकते हो, आपको फिल करना है इसके अंदर। हाँ, बर्ड ऑरेंज हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं कोई स्पेसिफिक मेजरमेंट नहीं होता है। क्योंकि उस टाइम नेचुरल कलर, पिंक कलर्स होता है, आजकल यूज करने लगे हैं बट कम होता है, बहुत कम होता है। देखो प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स ज्यादा यूज होते थे, प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स ही ज्यादा यूज होते थे, नेचुरल कलर्स यूज करते थे तो बहुत कम। पिंक कलर आप देखोगे तो कोहबर स्टाइल में आप फिर भी थोड़ा बहुत देख सकते हो पिंक कलर। हाँ बिल्कुल, ग्रुप में शेयर कर दूंगी मैं आपको। बीच बीच में ड्रॉ किया है ना, लीफ ड्रॉ किया है मैंने, ये देखिए यहां पर ये लीफ ड्रॉ कर दिया मैंने, स्पेस बच गया, आप ये कर सकते हो कवर। यहां पर स्पेस बच गया, चलो थ्री लीव्स वाला ड्रॉ कर दिया मैंने, ये लो ट्रायंगल दे दिया। ठीक है, अभी इसके क्वेश्चंस पूछिए, ऐसा कुछ है जो इसमें समझ नहीं आया हो आपको, गोदना स्टाइल में समझ नहीं आया हो? समझ आ रहा है? देखो कितना सुंदर लग रहा है नहीं अभी? बिल्कुल कलर्स होते हैं गोदना स्टाइल में, कलर्स होते हैं। थोड़ा सा मैं करके दिखा देती हूँ आपको, गिव मी वन मिनट। चलो अभी हम थोड़ा सा इसमें कलरिंग करके भी देख लेते हैं ताकि आपके कोई डाउट ना रहे, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो
आप लोगों के कोई डाउट नहीं रहेंगे फिर, ठीक है। अगर मैं थोड़ा कलरिंग करके दिखा दूंगी तो आप लोगों को और अच्छे से समझ आ जाएगा। अब इसमें डिजाइन तो देना ही है ना आपको, ये तो समझ आ गया कि बनाना कैसा है। बनाना आपको अच्छा, आप लोगों को बनाकर सबसे शेयर करना है फेसबुक ग्रुप पे, और जिसका सबसे बेस्ट होगा मैं उसी का फिर आगे फॉरवर्ड करूंगी। मेरे को रेफरेंस के लिए आगे शेयर करना है ना, तो जिसका सबसे बेस्ट लगेगा उसी का मैं रेफरेंस के लिए दूंगी। और आपका नाम लिखा होना चाहिए उसके ऊपर, क्योंकि मैं ये नहीं कहना चाहती ये मैंने बनाया, ये क्या किया है हमने क्लास में वो कर दिया। आपका नेम होना चाहिए, वॉटरमार्क से नेम लिखेंगे आप और मैं उसको एज अ रेफरेंस शेयर करूंगी जिसका सबसे बेस्ट होगा। तो आपको कंप्लीट करके रखिए ना, और फेसबुक वाले ग्रुप में शेयर करिए। व्हाट्सएप ग्रुप पे हम अलाउ नहीं करते, बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है फिर। टक टक नहीं करेंगे, वो टक टक मैंने बताया था, गोदना इसको कहते हैं। वो बनाते थे ना तब ऐसे टक 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 करके बनाते थे, गोदगे बनाते थे, जो हाथ पे जब वो मशीन चलती है ना वो ऐसे गोदना टक 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 करके चलती है मशीन, ठीक है। हम नहीं करेंगे वो एक एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको। हाँ अश्विनी जी, सॉरी मेरा आपका निकल गया क्वेश्चन, मैम ओनली सिंगल ऑब्जेक्ट वी हैव टू यूज, और वी कैन टू ऑब्जेक्ट इन वन सर्कल, यू कैन यूज टू ऑब्जेक्ट इन वन सर्कल। नेक्स्ट अश्विनी जी ने क्या पूछा है, मेरा शायद निकल गया वो क्वेश्चन, मैं काम कर रही थी इतनी देर में, फिर आता है लिखा हुआ, मैम प्लीज रिप्लाई। अरे रिप्लाई करूं किसका, क्वेश्चन तो चला गया। अर्शी रिप्लाई कर देगी आपको, मेघा गोयल रिप्लाई कर देंगे आपको, ये देखो। वॉटर कलर, पोस्टर कलर यू कैन यूज। आप वॉटर कलर यूज कर सकते हो, पोस्टर कलर यूज कर सकते हो। थोड़ा स्पीड में कर रही हूं मैं ना। कंप्लीट आपको खुद को करना है। कितना स्पीड में और कितना फटाफट हमारा पेंटिंग भी तैयार हो गया। आप इस तरह स्पीड में नहीं करिएगा, ओके। अभी ये क्लियर हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आपको ये कंप्लीट कर लेनी है डिजाइन।
जूम करें। अच्छा मधुबनी क्लास में क्या सिखाने वाले हैं, अभी आज की क्लास के एंड में बताएंगे। जो लेफ्ट ओवर स्पेस है आपके पास उसमें भी आपको बना लेना है, आप कुछ भी बना सकते हो। अगर आपने पिकॉक बनाया है और आपको अगर दोनों तरफ वाले फैदर देने हैं, पंख देने हैं, तो आप दोनों तरफ के पंख देकर पिकॉक बना सकते हो। अब ऐसा तो नहीं है कि मैंने वो वाला पिकॉक बनाना सिखा दिया तो अब दूसरी तरह के पिकॉक नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है, आप कैसे भी पिकॉक बना सकते हो। अभी आपको मैं ये कंप्लीट करना बता रही हूँ ताकि आप लोग अपना कंप्लीट करें। अभी इनमें डिजाइन देना, आईज बनाना, ये आप कर सकते हो, मैंने आप लोगों को बता दिया है। ये जो अगर स्पेस बच गया है तो आप फ्लावर पैटर्न दे सकते हो, कोई भी पैटर्न दे सकते हो। यहां पर वापस से आप कोई भी डिजाइन, टर्टल वाला डिजाइन हमने बनवाया था आपसे, आप टर्टल वाला डिजाइन बना सकते हो। और आपका ये पेंटिंग कंप्लीट हो जाएगा, जब आप ये पूरा बना लोगे तो आपका गोधना स्टाइल का पेंटिंग कंप्लीट हो जाएगा। आईज ये देखो, चलो गोधना स्टाइल का एक और दिखाती हूं मैं आपको। कहां गया, कहां रखी मैंने फाइल, ये रहा। शायद कहीं और रख दिया है, ये रहा, ये देखिए। ये रहा गोधना स्टाइल। कोई भी पैन यूज कर सकते हो। यू आर डूइंग फ्री हैंड ड्रॉइंग, तो अगर बिल्कुल परफेक्ट साइज नहीं होता, इक्वल बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता, डजंट प्रॉब्लम, ओके, डजंट मैटर। हम ट्राई करते हैं इक्वल बनाने का, बट परफेक्ट इक्वल नहीं बनता है, बिकॉज वी आर डूइंग फ्री हैंड ड्रॉइंग। एंड अभी तो हमारे पास स्केल वगैरह सब कुछ होता है मेजर करने के लिए, पहले के टाइम ये सब नहीं होता था, तो भी बनाते थे लोग अच्छा सा। हाँ व्हाट्सएप पे मैं शेयर कर दूंगी। तो गोधना स्टाइल हमारा हो गया, यू कैन सी, देखो अभी प्लांट भी बनाया, इस तरह की चीजें आप बना सकते हो गोधना स्टाइल में। चलो अभी हम नेक्स्ट पे मूव करें। हाँ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगी मैं।
नेक्स्ट नेक्स्ट पर चले अभी। ज्यादातर ये गोदते थे हाथों पे, बॉडी पे बनाई जाती थी ये वाली, इस तरह के काफी लोग अपनी बॉडी पे बनाते थे, तो उसको गोदना नाम से स्टार्ट कर दिया और फिर ये वॉल पर और कैनवास पे, पेपर पे, बॉटल पे, सब जगह आने लग गई धीरे धीरे। बस स्टार्टिंग इसका हुआ था बॉडी पर बनाकर, गोद कर, जो अभी टैटू बनाते हैं उस तरह का। तो कलरिंग आज अभी कलरिंग करने लगे हैं हम, बट बेसिकली कलरिंग बहुत कम या नहीं के बराबर होते थे, इस तरह का बनता था गोदना। बट आप गोदना में कलरिंग कर सकते हो। आई फॉरगॉट टू शेयर ऑन फेसबुक, कोई बात नहीं, व्हाट्सएप पे आप एक बार मुझे अपना नेम लिखकर जरूर भेजिए। आप लोग लिखते हो मैम आई वॉन्ट टू ज्वाइन योर व्हाट्सएप ग्रुप, फिर मुझे पूछते हो मैम प्लीज टेल योर नेम, तो आप पहले नाम बता दिया करो, मैं डायरेक्ट ग्रुप का लिंक दे दूंगी आपको। चलो नेक्स्ट, गोदना स्टाइल डन, कंप्लीट योर वर्क। अब पहले हम करेंगे तांत्रिक और फिर करेंगे कोहबर, क्योंकि तांत्रिक तो हमारा थोड़ा इजी है, कोहबर में थोड़ा टाइम टेकिंग है, कोहबर फिर कल करना पड़ेगा, कोहबर थोड़ा टाइम टेकिंग है तो हम कल करते हैं। ये हमारा हो गया तांत्रिक वाला, ले रहे हैं हम यहां पर। तांत्रिक स्टाइल मधुबनी, अभी इसको तांत्रिक स्टाइल क्यों कहते हैं, इसमें कोई तंत्र मंत्र नहीं होता है, जादू टोना नहीं हो, तो बेसिकली यही होता था है ना, गोदना में यही होता था, बट अब हम धीरे धीरे उनमें कलर्स भी फिल करने लगे, क्योंकि बॉडी पर जब गोदते थे तो एक सिंगल कलर से होता था, ब्लैक कलर से, पर धीरे धीरे अभी उनमें कलर्स आने लगे हैं गोदना में, अभी काफी सारे चेंजेस कर दिए हमने ना। तांत्रिक स्टाइल में क्या क्या मतलब होता है, अभी इसको हटाती हूँ वरना सबका माइंड तो गोदना पे रहेगा, हम आ गए हैं तांत्रिक स्टाइल पर। एक दिन में एक ही आर्ट फॉर्म होना चाहिए वैसे तो, है ना, एक ही स्टाइल होना चाहिए। तांत्रिक का मतलब क्या होता है, तंत्र मंत्र जादू टोना नहीं होता है, ठीक है, तंत्र मंत्र जादू टोना नहीं होता है। तांत्रिक का सब लोग मतलब ये निकाल लेते हैं, तांत्रिक मतलब तंत्र मंत्र करना, जादू टोना करना, वो नहीं होता है। तांत्रिक स्टाइल होता है, तांत्रिक का मतलब होता है कि कोई भी पूजा पाठ से रिलेटेड होता है ना, जैसे कि श्री यंत्र हो गया, दुर्गा यंत्र हो गया, जो हमें बुरी नजर से बचाए, गलत उससे बचाए, सही हमें पॉजिटिव रखे, नेगेटिविटी से बचाए, वो होता है तांत्रिक, ना कि जादू टोना होता है, जादू टोना नहीं होता है। बट लोग इसको बिल्कुल गलत मतलब में ले जाते हैं, तांत्रिक को जादू टोना समझने लगते हैं, इसलिए तांत्रिक स्टाइल मधुबनी में धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि उसका मतलब गलत लिया जाता है। मतलब उसका ये होता है कि आप बुरी नजर से बचना, नेगेटिविटी से बचना, ओके, जैसे कि श्री यंत्र होना, दुर्गा माँ का यंत्र होना, अलग अलग तरह के जो यंत्र होते हैं ये सब होते हैं इसके अंदर, तो वो आते हैं तांत्रिक स्टाइल में। तांत्रिक स्टाइल तो इतना वो नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे लोगों ने इसको गलत मतलब लेकर और उसे कम यूज करना हो गया, तो आपको तांत्रिक स्टाइल के बहुत ही कम एग्जांपल्स मिलेंगे आपको तांत्रिक के। अभी हम स्टार्ट करते हैं, एक तांत्रिक स्टाइल पेंटिंग बनाते हैं। यंत्र बनाते हैं हम, ठीक है, हम यंत्र बनाते हैं, कोई भी यंत्र बना सकते हो आप,
कोई मेजरमेंट नहीं लेना लिया है मैंने यहाँ पर, कोई भी आप यंत्र बना सकते हो, आप श्री यंत्र भी बना सकते हो, आप दुर्गा यंत्र बना सकते हो, लक्ष्मी यंत्र बना सकते हो, कोई सा भी यंत्र बना सकते हो आप, ठीक है, जो आपको नेगेटिविटी से बचाए, ठीक है। ये होता था मधुबनी, मधुबनी का तांत्रिक, बट इसका गलत मतलब ले लेकर लोगों ने इसको और भी कम कर दिया है, तो बहुत अब बहुत कम बनता है ये तांत्रिक की पेंट, तांत्रिक स्टाइल की पेंटिंग आपको बहुत ही कम मिलेगी। पूजा पाठ में यूज होता है तांत्रिक स्टाइल, पूजा पाठ में यूज होता है। व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करने के लिए आपको मुझे व्हाट्सएप पे पिंग करना पड़ेगा, अपना नेम और एज लिख कर देना पड़ेगा। मैं आपको लिंक शेयर करूंगी, फिर आप ज्वाइन करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप, और फिर आप बाय चांस कभी छोड़ देते हैं व्हाट्सएप ग्रुप को तो वापस ज्वाइन नहीं कर पाएंगे उस लिंक से, फिर आपको मुझसे दूसरा लिंक लेना पड़ेगा अगर वापस ज्वाइन करते हो तो। अरे किसका बहुत बड़ा मैसेज आया, रुको टीना, राइट, टू टाइप की पूजा होती है, मंत्र स्टाइल एंड तंत्र स्टाइल, और हर पूजा का अपना इम्पोर्टेंस होता है अपनी लाइफ में, बस इस विद्या को जानने वाला इसको कैसे यूज करते हैं वो डिपेंड करता है। लोग इसका गलत यूज कर लेते हैं और इस विद्या को गलत बता दिया गया। बिल्कुल सही कहा है टीना ने, सब पढ़िए, बिल्कुल सही, लोगों ने इसका गलत यूज कर करके गलत मतलब निकाल निकाल के, और इसको अभी तांत्रिक आपको मधुबनी में बहुत कम मिलेंगे, बहुत पुराने टाइम पे होते थे, अभी कोई बनाता भी नहीं है, एक्चुअली किसी को पसंद नहीं होता है बनाना और कोई बनाता भी नहीं है तांत्रिक स्टाइल में मधुबनी। अपने घर में तांत्रिक स्टाइल का मधुबनी लगाना लोग पसंद नहीं करते हैं, धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं इस तरह के आर्ट। सिर्फ अब ये सीखने के लिए रह गए हैं कि हाँ हमें नॉलेज है इसके बारे में, ये सीखने के लिए रह गए हैं अब तांत्रिक स्टाइल कि ये भी एक स्टाइल हुआ करता था कभी। इसको भी आप कलर कर सकते हो, ठीक है, इसको भी आप कलर कर सकते हो। तो इस तरह के जो भी यंत्र होते थे वो तांत्रिक स्टाइल में काउंट होते थे, ठीक है। तो ये तो बहुत ही इजी है, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, अगर कभी आप तांत्रिक स्टाइल का मधुबनी देखते हो तो आपको समझ आ जाएगा कि ये कौन सा स्टाइल का मधुबनी है। हाँ ओल्ड इज गोल्ड, पर लोग नहीं कर रहे हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड। देखो स्ट्रिंग आर्ट में लोगों ने, कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, स्ट्रिंग आर्ट बहुत पहले के टाइम पे हुआ करता था, है ना, हमारी दादी नानी किया करती थी स्ट्रिंग आर्ट, बट अब आज के टाइम पे। अच्छा स्ट्रिंग आर्ट के लिए चलो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, बच्चे भी कर सकते हैं, सिर्फ नेलिंग वाला पार्ट आपको कारपेंटर से करवा के देना पड़ेगा, या फिर आप अपने बच्चे को करके दे दो, कभी सर्च करना। ये इतनी अच्छी एक्टिविटी होती है स्ट्रिंग आर्ट की एक्टिविटी, ग्रॉस मोटर्स के लिए, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो एक बार आप टाइप करके सर्च करिए हाउ टू डेवलप ग्रॉस मोटर स्किल एंड किड्स, ठीक है, हाउ टू डेवलप ग्रॉस मोटर स्किल एंड किड्स, छोटे बच्चों के लिए ये बहुत अच्छी एक्टिविटी होती है,
इसमें ऐसा नहीं है कि एक बार अगर बना दिया तो फिर फाइनल हो गया है, अब उसका कुछ नहीं हो सकता, बच्चे ने खराब कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। उसको हटाओ, वापस बनाओ, अलग अलग डिजाइन बना सकते हो, जब चाहो जब आप उसमें चेंज कर सकते हो। तो ग्रॉस मोटर स्किल्स के लिए बहुत ही अच्छा है बच्चों के लिए। अच्छा, एग्जाम की प्रिपरेशन भी साथ साथ चल रही है। तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज है ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप करने के लिए। तो अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता है कि ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होता है, तो एक बार आप टाइप करके सर्च करके देखिए, सर्च करिए तो आपको समझ आएगा। फिर आप ज्वाइन करवाओगे स्ट्रिंग आर्ट के। वापस नहीं लाऊंगी स्ट्रिंग आर्ट की एक्टिविटी, फिर बोलोगे कि मैम बाद में नेक्स्ट बैच वाले में कर लेंगे, तो नेक्स्ट बैच वाले में नहीं लेकर आऊंगी। फाइन मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल्स होती है। फाइन मोटर स्किल्स जब हम डेवलप करते हैं तो हमारे फिंगर्स के जॉइंट्स ये सब वर्क करते हैं उसके अंदर, फाइन मोटर स्किल्स में, ठीक है। तो हाउ टू डेवलप फाइन मोटर स्किल, हाउ टू डेवलप ग्रॉस मोटर स्किल्स, ये सब आप देख सकते हो। इसके अंदर पूरा आपके सारे जॉइंट्स वर्क होते हैं, बार बार आप उसको नीटिंग करते हो, निकालते हो। तो आप सर्च करके देखिए फाइन मोटर स्किल्स, हाउ टू डेवलप फाइन मोटर स्किल्स। अभी इसमें आप कलरिंग भी कर सकते हो, ये मैंने एक एग्जांपल बताया है आपको, एक एग्जांपल बताया है तांत्रिक स्टाइल का। होप कि आपको समझ आ गया है कि व्हाट इज तांत्रिक स्टाइल मधुबनी। If you want to color, you can color yellow, red, orange, pink, green. हाँ, pink तो बहुत कम use होता था पर बहुत कम use होता था pink color. So this is tantric style. मुझे पता था tantric style में बहुत ज्यादा time नहीं लगना है। Fine motor skills में क्या होते हैं, आपके 17 जॉइंट्स वर्क करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 शोल्डर, 17 आपका शोल्डर और ये 16 आपका एल्बो, 15 यहाँ पर और 14 ये वाले जॉइंट्स आपके वर्क करते हैं फाइन मोटर स्किल्स में। तांत्रिक डन, यस दिस इज डन। इफ यू वॉन्ट टू कलर यू कैन कलर दिस। अभी हमारा बचा है कोहबर, कोहबर स्टाइल मधुबनी। नहीं, वो अलग अलग यंत्र पे डिपेंड करता है, आप बहुत सारे अलग अलग तरह के यंत्र होते हैं, आप सर्च करिए, श्री यंत्र सर्च करिए, आप अलग अलग तरह के यंत्र सर्च कर सकते हो और उन्हें बना सकते हो। यंत्र के कुछ डिजाइन फिक्स होते हैं, इसमें आपको फूल पत्ती वगैरह नहीं बनाने हैं, यंत्र के डिजाइन फिक्स होते हैं। अभी मुझे लग रहा है, अरे बाबा हाउ, मैंने सोचा टाइम ओवर हो गया है, मेरे पास टाइम नहीं है,
तो मैं क्लास ओवर कर देती हूँ और कोहबर हम कल कर लेंगे। पर यहाँ तो मेरे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे, जाने का नाम ही नहीं लेते। बोलते मैम ये भी बता दो, ये भी बता दो, ये भी बता दो। ओहो, अभी समझ आया? सो यू कैन डू कलरिंग। मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल देने आती हूँ, समझाने आती हूँ, टेक्निक सिखाने आती हूँ, आपको हाथ पकड़कर आगे ले जाने नहीं आती हूँ। बट आपके डाउट क्लियर करने आती हूँ। ठीक है अर्शी, आप जाइए। थैंक यू सो मच। अभी समझ आ गया कि अभी भी नहीं आया? टाइम की बड़ी शॉर्टेज है, टाइम बढ़ा नहीं सकते है ना? एक दिन में 48 आवर्स हो सकते हैं क्या? मुझे चाहिए, टाइम की बहुत शॉर्टेज है मेरे पास। रेस्ट भी करने बैठो तो ऐसा लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है, रेस्ट भी नहीं करते इस चक्कर में कि रेस्ट करोगे तो टाइम वेस्ट होगा। चलो अभी मधुबनी की पेड क्लास के बारे में बता दूं आपको, फिर देखते हैं कितने लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। कोई कंपलसरी नहीं है कि सब लोग ज्वाइन करो, जिसका मन करता है वो ज्वाइन करो, जिसको करना है रियली वो ज्वाइन करें। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ। हाँ रेखा जी, हमने तो होने ही चाहिए है ना? मेरे कुछ मेंबर्स हैं उनको भी दे दूंगी मैं 48 आवर्स में से, अगर बढ़ जाएंगे तो आपको दे दूंगी, शालिनी जी को दे दूंगी, निधि जी को दे दूंगी, काफी लोग हैं जिनको चाहिए 48 आवर्स। चलो अभी हम कैमरा अपनी तरफ करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि हम क्या करवाने वाले हैं मधुबनी के एडवांस कोर्स में। जस्ट अ मिनट, गिव मी वन मिनट। कैसा रहा आज का सेशन? मजा आया? अच्छा लगा? थैंक यू रेखा जी। सो सॉरी मैं आपसे मिल नहीं पा रही हूँ, आप जयपुर में हो बट मैं आपसे मिल नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं खुद नहीं हूँ जयपुर में। कल सिर्फ मधुबनी की पेंटिंग की क्लास लेने आऊंगी 2 to 3। कल 4 to 5, 5 to 6 कोई क्लासेस नहीं लेंगे हम इसीलिए, क्योंकि कल ही जा रही हूँ मैं। तो मन तो मेरा भी बहुत था आपसे मिलने का। चरण्या को भी दूंगी है ना? हाँ, निधि जी को बड़ा मजा आ रहा है। चलो तो हम क्या हो रहा है कि पेंटिंग्स बना बनाकर घर में पूरा भर दिया है, कहाँ लगाए इतनी सारी पेंटिंग्स, और इतनी सारी पेंटिंग्स बना बनाकर सिर्फ रखते जाना, रखते रहना, रखते जाना, कोई सेंस नहीं है। तो हमने सोचा हम कोई एक पेंटिंग नहीं कराने वाले, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 6 पेंटिंग कराने वाले। अब आप सोचिए कि 6 पेंटिंग अगर हम बनाते हैं तो उसका क्या बनता है? जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए। हाँ आपको, नव्या को भी दे दूंगी। हाँ, नव्या को भी दे दूंगी। 6 पेंटिंग्स से क्या बनता है? हाँ कल सिर्फ मधुबनी की क्लास लेने ही आऊंगी, कल मुझे कहीं जाना है बाहर तो कल मधुबनी की क्लास लेने ही आऊंगी। बताइए फटाफट 6 पेंटिंग्स से क्या बनता है? अगर मैं 6 पेंटिंग्स का सेट बनाती हूँ तो अब क्या बनाएंगे हम? कैन गिफ्ट, वाह 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 वाह, हम 6 पेंटिंग बनाए, बाबा मेरे से तो गिफ्ट नहीं दी जाती है 6 पेंटिंग।
बहुत मेहनत लगती है, इतनी मेहनत की चीज बहुत सोच सोच के गिफ्ट किया जाता है। हम बनाने वाले हैं टेबल मैट्स एंड कोस्टर्स, A3 साइज की पेंटिंग्स बनाने वाले हैं ओनली ऑन मधुबनी बेस्ड। मधुबनी के टेबल मैट्स, मधुबनी के कोस्टर्स बनाने वाले हैं हम। और अगर ये हमारा आप लोगों का काफी सपोर्ट मिला, हम लोगों को अच्छा खासा अगर सपोर्ट मिलता है तो हम उसमें ही ऐड करेंगे मधुबनी का रनर, डाइनिंग टेबल के लिए रनर हम बाद में ऐड करेंगे, सोचेंगे उसके लिए। अभी मैं आपको कमिटमेंट नहीं कर रही हूँ, अभी सिर्फ टेबल मैट्स एंड कोस्टर्स के लिए बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि पेंटिंग्स का बहुत हो गया है। नहीं, कल भी है क्लास मधुबनी का, कोवर स्टाइल हम करेंगे, कोवर बहुत डिटेलिंग होता है इसलिए, ठीक है। तो अगर आप लोगों का अच्छा खासा सपोर्ट रहा तो फिर हम डाइनिंग टेबल के लिए रनर बनाएंगे, और रनर हम बनाएंगे क्लोथ के ऊपर, बट उसका मैं अभी कमिटमेंट नहीं कर रही हूँ, वो डिपेंड करता है हाउ मेनी रजिस्ट्रेशन वी गेट, ठीक है। रनर तो हमारा क्लोथ पे बनेगा, और टेबल मैट्स हम बनाने वाले हैं। अगर आपको बनाना है क्लोथ पर बनाने, आप क्लोथ पर बना सकते हो। अगर आपको A3 साइज के 300 GSM शीट पे बनाने, थिक शीट पर बनाने, आप थिक शीट पर बनाकर उनको लैमिनेट करवा सकते हो। हाँ, साड़ी, बेडशीट सब कर ले हम, बहुत फ्री हूं मैं, है ना। 48 hours क्या ज्यादा मिल रहे हैं मुझे तो ज्यादा मिल रहे हैं 48 hours से भी। ये भी कर लो, साड़ी भी बना लो, कोस्टर भी, ये भी बना लो, है ना। हाँ, आप रेखा जी, आप तो यहां हो ही नहीं जा रहे हो तो कोई मतलब नहीं, आप तो ज्वाइन कर नहीं पाओगे। वॉल पेंटिंग अभी नहीं बनाएंगे, बहुत वॉल पेंटिंग्स बना ली है इस बार, कुछ घर पे अच्छा डेकोरेट करते हैं हम। बनाते हैं टेबल मैट्स एंड कोस्टर्स। रनर का हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है हाउ मेनी रजिस्ट्रेशन वी गेट। तो टेबल मैट्स में हमारे पास बनेंगे 6 टेबल मैट्स बनेंगे। 6 टेबल मैट्स में हम लेने वाले हैं 2 कचनी स्टाइल 2 भरनी स्टाइल एंड 2 गोदना स्टाइल लेते हैं हम, ठीक है। ये तो हमारे 6 स्टाइल के 6 टेबल मैट्स हो जाएंगे 3 स्टाइल्स। स्मॉल फ्रेम्स नहीं बनाएंगे, अभी सबको हो गया है, तो डिपेंड करता है कि कितने रजिस्ट्रेशन आता है, रजिस्ट्रेशन पे डिपेंड करता है कि हम रनर कब बनाने वाले हैं, कैसे बनाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। लॉन्ग क्लासेस चलेगी, लंबी क्लासेस चलेगी, क्योंकि 6 पेंटिंग्स बनाना A3 साइज पे नॉट अ स्मॉल थिंग। नहीं, अगर आपको क्लोथ पर बनाना है मधुबनी का टेबल मैट्स, आप क्लोथ पर भी बना सकते हो। अगर आपको पेपर पर बनाकर शीट पर बनाते हो, A3 साइज की शीट पर बनाते हो, आप उनको लैमिनेट करवा सकते हो। क्लोथ भी मैं आपको दिखा दूंगी कि किस तरह का क्लोथ चाहिए, वो भी रखा है मेरे पास। फीस के लिए आप मुझे करिए, अच्छा इसमें फीस पर मैंने सोचा है कि हम अर्ली बर्ड डिस्काउंट देंगे इसके अंदर, तो जो जल्दी रजिस्ट्रेशन कराएगा उनके लिए डिस्काउंट भी है। क्लास स्टार्ट हो जाएगी 1st of August से, हाँ 1st of August के आसपास स्टार्ट हो जाएगी हमारी क्लास। तो फीस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं जल्दी से डिटेल दे दूंगी आपको। डिटेल्स सिर्फ फीस का मैं आज बता पाऊंगी, बाकी डिटेल्स मैं कल दूंगी जो रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी है, तो जो जल्दी रजिस्ट्रेशन कराएगा जल्दी मटेरियल अरेंज करिए। स्ट्रिंग आर्ट करिए, ये करिए, दोनों करिए। यस रेखा जी, अर्ली बर्ड डिस्काउंट मीन्स ओल्ड स्टूडेंट डिस्काउंट ऑल्सो, आपको कहने की जरूरत नहीं होती है। है ना, फिर यूटी भी खत्म हो जाएंगे। हाँ निधि जी,
पहले बुद्धा खत्म हो जाए अपने, उसके बाद रजिस्ट्रेशन लूंगी। इस बार मैं नजनी दीजिए आपका पेमेंट नहीं लेने वाली हूँ, सच बता रही हूँ। इस बार आपका पेमेंट नहीं लूंगी मैं, रिटर्न कर दूंगी अगर आपने मुझे पे कर दिया तो। इवनिंग टाइम रखेंगे, इवनिंग टाइम। और अगर किसी को अर्ली मॉर्निंग क्लास लेनी है तो प्लीज मुझे बता दीजिए, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आई रियली वॉन्ट टू टेक अर्ली मॉर्निंग क्लासेस। नंबर जल्दी से मेरा कोई नंबर लिख के दीजिए। शालिनी जी आप घर आ जाइए पहले, उसके बाद में क्लास करेंगे, ठीक है? सबके बारे में बताती जा रही हूँ। शालिनी जी घर आ जाइए पहले आप, उसके बाद करेंगे। कैन वी मेक फ्लावर एट कॉर्नर्स इन तांत्रिक स्टाइल? तांत्रिक स्टाइल में फिक्स पैटर्न होते हैं डियर। चलो ओके एवरीवन, ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू टुमोरो एट 2 o'clock फॉर कोबर स्टाइल मधुबनी पेंटिंग। ये लो प्रीतम जी ने मेरा नंबर लिख दिया है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप नंबर मेरा फेसबुक पेज पर भी है। ओके बाय बाय।